आज का ये वीडियो सिर्फ कल्कि के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नहीं रहेगा, बल्कि उन लोगों की भी पोल खोलूंगा जो शाने बनते फिर रहे। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, उसके लिए ये वाले चाय वाले को बहुत बहुत बधाई। और दूसरी तरफ कुछ चमन झिंगों की गेंद जल रही कल्कि को लेके, तो उनकी भी करते हैं पिटाई। अब देखो, कुछ लोग कह रहे कि कल्कि का फर्स्ट हाफ बकवास है, कल्कि पूरी फिल्म बेकार है, कल्कि को बहुत ओवर हाइप किया जा रहा है। तो यार ये बात तो सही है यार, क्योंकि हम इंडियन से हमें आदत है हर पॉपुलर फिल्म को ओवर रेटेड बोलने की। हमें ये भी आदत है कि थिएटर में फिल्म को ना सपोर्ट करके ओटीटी में देखने के बाद उसको अंडररेटेड का नाम देके कूल बनने की। हमें आदत है अच्छे लड़कों को इग्नोर करके छपरियों के साथ घूमने की। सॉरी, गलती से जानबूझ के बोल दिया यार। देखो, ये मैं भी मानता हूं कि कल्कि का फर्स्ट हाफ स्लो फील कराता है, लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग नाम की भी कोई चीज होती है यार। हवस में भी होल पे गोल करने के लिए चुम्मे से शुरुआत करनी पड़ती है। टू बी ऑनेस्ट, कल्कि एक ट्रू सेंस में सिनेमैटिक ब्रिलियंस वाली फिल्म है, जिसको यार कोई भी कीमत पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड इस फिल्म को बनाना हर किसी की नहीं है, उल्टा हमें तो कल्कि को लेकर ये प्राउड फील होना चाहिए कि फिल्म को देखने के बाद हम महाभारत पढ़ रहे हैं। साला लाख देखी होगी हम सबने साईफाई फिल्में, लेकिन हमारे इंडियन हिस्ट्री इंडियन स्टाइल से साईफाई जॉनरा इतना अनोखा दिख सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा, सोचने वाली बात है कि यही अगर हॉलीवुड की एवरेज फिल्म होती तो भी कोई ज्यादा देर शाना नहीं बनता। वो बोलते रहेंगे कि यार हॉलीवुड कर रहे, तो उनका एवरेज भी कुछ सोच समझ के ही किया रहेगा। और मैं एक और चीज लिख के देता हूँ कि अगर यही कल्कि फिल्म हॉलीवुड से आई होती तो लोग यहाँ पर चर्चा करते कि देखो वहां वालों ने अपने महाभारत को ऐसा प्रेजेंट किया। बट खैर छोड़ो यार, ये अपने घर की फिल्म है इसलिए रिश्तेदारों का गांड जलना बनता भी है। एंड मैं देख रहा हूँ कुछ लोग दो 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 स्टार दे रहे हैं। भाई साहब, मैं आप लोगों के घटिया ओपिनियन की इज्जत करता हूँ, बट एज अ ट्रू सिनेफाइल यू कैन नॉट इग्नोर दिस फिल्म। अगर आज हमने ऐसे साईफाई एक्सपेरिमेंटल फिल्म को सपोर्ट नहीं किया तो फिर हम डिजर्व करते हैं वो हॉरर फिल्म देखना, बड़े मियां छोटे मियां एंड गणपत। देखो, अगर आप लोग भी ट्रू सिनेफाइल हो एंड मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके तुम्हारे भाई को भी सपोर्ट कर दो। अब फिल्म का कलेक्शन ही बता रहा कि फिल्म को कितना सपोर्ट मिल रहा है। हिंदी में फिल्म ने 3 दिन में 72 करोड़ कमाए। अब देखो यार, हिंदी में 3 दिन में इतना कलेक्शन आना, इसका मतलब सिर्फ प्रभास ही अट्रैक्ट नहीं किया ऑडियंस को, जबकि इसका कंटेंट अट्रैक्ट किया कि ऑडियंस ने बोला कि भाई हमको ट्राई करना है। अब कल्कि का डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो मेकर्स ने बताया वो है 191 करोड़, वही सेकंड डे का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 298 करोड़, वही कल तक थर्ड डे का कलेक्शन हो गया 415 करोड़। अब देखो ये कितना एक्यूरेट है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट हिंदी के कलेक्शन एकदम एक्यूरेट है। अब देखो यार, फिल्म का इतना कलेक्शन आना ये भी साबित करता है कि ऑडियंस को अच्छे कंटेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग कंटेंट मिले तो उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। वहीं अगर बचकाने कंटेंट को हम 4-4-4 देके सपोर्ट करें तो भी एक दरवाजा खुला है, वो है नर्क का। वहीं कल्कि मूवी का इतना कलेक्शन ये भी साबित करता है कि अब इंडिया हॉलीवुड बनने तैयार है, क्योंकि कुछ ऑडियंस को छोड़ दो तो कुछ ऑडियंस फुल सपोर्ट करने पे भी तैयार है। एंड दोस्तों, जस्ट लुक एट द तेलुगु इंडस्ट्री, आई मीन अपने हिंदू कल्चर हिंदू गॉड को अपने फिल्मों में इतना अच्छा प्रेजेंट इतना ग्रैंड प्रेजेंट कर रहे कि लोग प्राउड भी फील कर रहे, इनफैक्ट पढ़ने भी जा रहे। आप जनवरी में प्रशांत वर्मा की हनुमान देख लो या नाग अश्विन की कल्कि देख लो। एंड मैं नोटिस किया हूं कि बहुत सारे फिल्म मेकरों को अपने कल्चर अपने गॉड अपने फिल्म में दिखाने से बहुत आपत्ति होती है, तो भाई साहब ऐसे काइंड ऑफ फिल्में लाइक कल्कि कंतारा हनुमान ऐसे फिल्मों पर भगवान का साक्षात आशीर्वाद बना रहता है। तो खैर, ये था मेरा फाइनल ओपिनियन ऑन कल्कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड कल्कि हेट। बाकी आज संडे, आज तो जम के एकदम गांड फाड़ कमाएगी फिल्म। एंड वैसे भी कोई आने वाली बड़ी फिल्म तो है नहीं, तब तक तो ये बहुत छापेगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1000 करोड़ तो सुबह का नाश्ता हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना ग्रैंड होने वाला है कि तुम अभी से देखना शुरू कर दो, आगे जाके बहुत पछताओगे साला इसको मैंने थिएटर में देख लिया होता तो बाद में मेरे को पढ़ना नहीं होता था यार। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, दिल से कह रहा हूं यार, सब्सक्राइब कर दो यार, मजा आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।